हेलो दोस्तों, मैं पर्सनल मैथ अपडेट डिवीजन में आपका स्वागत है। पेटीएम का रेफर ऑन का प्रोग्राम जो आया है अभी, बहुत जबरदस्त रेफर ऑन प्रोग्राम आया है। आप किसी को भी रेफर करके पर रेफर 100 रुपीज अर्न कर सकते हैं, और किसी का पेटीएम अकाउंट इनएक्टिव है उसको एक्टिव करके 50 रुपीज अर्न कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त अभी ये प्रोग्राम निकल का है, पेटीएम का रेफर ऑन प्रोग्राम। तो वीडियो कम्प्लीट देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम का नया रेफर ऑन प्रोग्राम के बारे में, और कैसे आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिए बिना स्किप के। वीडियो अच्छा तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक करिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारा ऑफर जानकारी, नया अपडेट जानकारी हम पहले बार देते हैं। मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ, पेटीएम में कुछ भी नया अपडेट आता है, कुछ भी नया ऑफर आता है, तो पहले हम वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड करते हैं। इसलिए अगर आपको पेटीएम से अपडेट लेना है या पेटीएम का हर ऑफर का बेनिफिट लेना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक करके रखिए। अभी बात करेंगे पेटीएम का नया रेफर ऑन प्रोग्राम के बारे में। मैं खुद मेरा अर्निंग दिखा दूं, मैं कितना रेफर करके अर्न किया हूं। तो चलिए मैं अभी कैशबैक ऑफर सेक्शन को ओपन करता हूं, और जितना भी कैशबैक मिला है मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर रेफर योर फ्रेंड 50 50 100 100 50 50, यानी मैं नया रेफर करके 100 रुपीज अर्न किया हूं, और जिसका भी पेटीएम अकाउंट इनएक्टिव है उनका एक्टिव करके मैं 50 रुपीज अर्न किया हूं। तो आप भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं पूरा मैं अभी आपके इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, जरूर से पूरा आखिर तक देखना है। आप भी यहाँ से काफी सारा अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको पूरा ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे ढूंढ लेंगे इनएक्टिव अकाउंट को। तो चलिए, तो पेटीएम ओपन करेंगे। जैसे पेटीएम ओपन करेंगे, पेटीएम कैशबैक ऑफर सेक्शन जाना नहीं है, रेफंड विन ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप रेफंड विन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रेफर प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। देखिए ऊपर 100 कैशबैक, नीचे 50 कैशबैक लिखा है। अभी 100 कैशबैक किसको मिलेगा? अगर किसके पास पेटीएम अकाउंट नहीं है और आप अपना लिंक को शेयर कर रहे हैं, वो आपके लिंक को क्लिक करके पेटीएम में एक नया अकाउंट क्रिएट करता है, और वहां पे बैंक अकाउंट लिंक करता है, और कोई भी पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1 रुपया सेंड मनी करता है, तो आपको 100 रुपीज मिल जाएगा। अब ये 50 रुपीज क्या है? जो पेटीएम अकाउंट इनएक्टिव है, यानी 2-3 महीना हो गया जो पेटीएम में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, अगर आप उसमें आपका रेफर कोड डाल के बैंक अकाउंट लिंक करके, या बैंक अकाउंट पहले से भी लिंक हो कोई बात नहीं, बस आप अपना रेफर कोड डाल के 1 रुपया कोई भी बिजनेस पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट कर लेते, तो आपको वहां पे 50 रुपीज मिल जाएगा। बहुत ही आसान है यहाँ पे अर्निंग करना। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास से अगर आप यहाँ पर रेफर ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपका रेफर लिंक निकाल के अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। जिसके पास पेटीएम अकाउंट है नहीं, अगर वो उस लिंक को क्लिक करके पेटीएम अकाउंट क्रिएट करते हैं, और बैंक अकाउंट लिंक करके कोई भी आप पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड में 1 रुपये स्कैन करके पेमेंट कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज मिल जाएगा, और उनको जो नया अकाउंट क्रिएट किया है उनको अप टू 100 रुपीज कैसे मिलेगा। अगर किसके पेटीएम अकाउंट इनएक्टिव है, 2-3 महीने हो गया यूज ही नहीं किया है, सेम टू सेम अगर वो आपको रेफर कोड के यूज करके कोई भी बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, और कोई भी पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड स्कैन करके 1 रुपया सेंडमेंट करते हैं, तो आपको 50 रुपीज मिल जाएगा, और उसको अप टू 100 रुपीज कैसे मिल जाएगा। अभी आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम रेफर कोड कैसे डालेंगे, कि अभी जो नया अकाउंट क्रिएट किया था उसको तो लिंक सेंड करते हैं, अभी ओल्ड अकाउंट पे हम जो इनएक्टिव अकाउंट है उसमें कैसे रेफर कोड डालेंगे। तो उसके भी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मैं आप लोगों के लिए हर ट्रिक लेके आता हूँ भाई, टेंशन मत लो आप। तो चलिए पेटीएम ओपन करेंगे। जैसे पेटीएम ओपन करेंगे, अभी ये सर्च बार में रेफर कोड एक सर्च करना है आपको, रेफरल कोड। तो देखिए जब से रेफरल कोड आएगा तो आप यहाँ पर रेफरल कोड जैसे सर्च करेंगे, आपके सामने ये जो रेफरल कोड का ऑप्शन आ रहा है ना, मैं यहाँ पर देखिए टिक दे रहा हूँ, जो रेफरल कोड का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करने, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेफर कोड डालेंगे एक ऑप्शन आ देगा, आप यहाँ पर रेफर कोड डालेंगे एक ऑप्शन आ देगा। तो सेम टू सेम आप जिसका भी अकाउंट यूज करें, तो आप जिसके भी अकाउंट पे जा रहे हैं आपको पता करना है, तो आपको वो सेक्शन ओपन करना है और आपका रेफर कोड को यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आप रेफर कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे, अगर सबमिट हो जाएगा तो आप यानी अगर आप यहाँ से 1 रुपये सेंडमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपीज कैसे मिल जाएगा। यहाँ पर सबमिट करना है, जैसे मेरा रेफर कोड है प्रशांत 1, आपका क्या रेफर कोड है, मैं भी आपको कैसे रेफर कोड निकालना है वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पे अप्लाई होता है तो आपको 50 रुपीज मिलेगा, अगर अप्लाई नहीं होता ऐसे कि लिखता है कि ऑलरेडी यूज, तो यानी वो इनएक्टिव अकाउंट नहीं है, वो अकाउंट पहले से यूज हो रहा है। तो अभी रेफर कोड कैसे निकालेंगे, रेफर कोड निकालने के लिए आप बैक जाने रेफर विन पे, और यहाँ पर जो मोर ऑप्शन का है ना, मोर ऑप्शन का जो 999 पे मोर ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करना है। जब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रेफर कोड यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये रेफर कोड को आपको वहां पे डालना है, जो इनएक्टिव अकाउंट होगा उस पर आपको डालना है। अगर वो अप्लाई हो जाता है एंड सबमिट हो जाता है, और आप वहां से कोई भी बिजनेस क्यूआर कोड में 1 रुपये सेंड मनी कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 50 रुपीज मिल जाएगा, और उसको उनको अप टू 100 रुपीज मिल जाएगा।
तो ये पूरी जानकारी था पेटीएम का नया रेफर प्रोग्राम के बारे में, आपको पूरा जानकारी मिल चुका हुआ। और एक बात, अगर किसी के पास भी पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड नहीं है तो मैं साइट में पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड मैं दे रहा हूँ, आप इसको स्कैन करके 1 रुपए भी सेंड मनी कर सकते हैं। और जो कोई सेंड मनी करेगा नया रेफर कोड को, जो मेरा रेफर कोड डाल के सेंड मनी करेगा उसको भी अप टू 100 रुपीज का कैप्शन मिलने वाला है। तो बहुत ही जबरदस्त ऑफर होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त रेफर अर्न प्रोग्राम पेटीएम अभी निकल गया है। अब न्यू यूजर बनाओ और रेफर करके अर्निंग करो, और ओल्ड यूजर का अकाउंट एक्टिव करो फिर भी अर्निंग करो। तो पूरी जानकारी था, अगर आपके दिमाग में और कोई डाउट है और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इतना कंप्लीट वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक करिए।